हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग आम पन्ना की रेसिपी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में एक बाउल जितना मैंने कच्चे आम ले लिए हैं, 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन डाल लिए हैं, आधा ग्लास जितना हम इसमें पानी डाल लेंगे। यहाँ पे 2 ग्लास सर्विंग आम पन्ना बनाने वाली हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी हम इसमें लगा लेंगे। हमारे आम बिल्कुल पक चुके हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके आम को अलग कर लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। आम ठंडे हो चुके हैं। अब इसे एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे। अब इसमें मैं आधा कटोरी जितना गुड़ डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे अब हम ब्लेंड कर लेंगे। गुड़ डालने से आम पन्ना की जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए, आधी छोटी चम्मच काला मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1 स्पून जितना भुना हुआ जीरा डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक्स्ट्रा बनाकर भी रख सकते हैं, इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना आराम से चल जाएगा। एक सर्विंग ग्लास ले लीजिए। 3 से 4 स्पून हम ग्लास में बनाया हुआ मिश्रण डाल देंगे। तीन से चार आइस क्यूब्स डाल लेंगे और ऊपर से हम इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके सर्व कर देंगे। इस गर्मी पीक पर है, आम पन्ना हमें लू लगने से बचाता है, साथ ही साथ हमें हाइड्रेट भी रखता है और भी बहुत सारे गुणों से भरपूर है ये समर ड्रिंक। हमारा आम पन्ना बनकर रेडी है, इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।